अगर आप एसएसबी में गए हैं तो आपने एक बात नोटिस फॉर श्योर, क्योंकि जब एसएसबी का रिजल्ट बताया जाता है तो सिर्फ रिकमेंडेड बच्चों के नाम बताए जाते हैं, आपकी कमियां नहीं बताई जाती कि हमने आपको क्यों सेलेक्ट नहीं किया, व्हाट पर्सनैलिटी फ्लॉ वी फाइंड इन यू। अगर सोचो ये पर्सनैलिटी फ्लॉ आपको किस तरह से मिल जाए, काफी जर्नी आसान हो जाएगी। वो एक बात और कहते हैं, अगर आपने नोटिस की होगी जब वो एक स्पीच देते हैं एंड में, यहाँ पर एसएसबी में कई लोग फेल हुए हैं, अमिताभ बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम, शाहरुख खान, बहुत लोगों के नाम लेते हुए ऐसे, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो यहाँ पर फेल हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में फेल होंगे। उनका कहने का सिंपल ये होता है कि यहाँ पर एक पर्सनैलिटी ट्रेट, एक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट चाहिए जो यहाँ के लिए आर्मी के लिए सुटेबल है। शाहरुख खान यहाँ पर राइटली कहे गए कि भैया बॉलीवुड के किंग है, बट आर्म फोर्स के लिए हमें कुछ और चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो तुम्हें कोई पर्सनैलिटी ट्रेट एग्जैक्टली बता दे कि वो चाहिए क्या जो तुम्हारे में कमी बैठ रही है, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे में जो कमी बैठ रही है वो तुम्हें बता दें तो तुम उसको इम्प्रूव कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम एसएसबी आ जाओ। मतलब तुम्हें एक ऐसे एसएसबी प्रोसेस में डाल दिया जाए जिसमें एंड रिजल्ट में तुम्हारा रिकमेंडेशन और नॉन रिकमेंडेशन की बात ना करके तुम्हारी कमियों की बात की जाए कि इस एसएसबी प्रोसेस के अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी कमियां ये हैं, समझ लो, इन पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को इम्प्रूव कर लो, यू विल गेट रिकमेंडेड, दैट विल बी रियली इजी जॉब फॉर यू। यकीन मानिए ऐसा हो सकता है। देयर इज अ गाय नेम सूरजीत। सूरजीत अनअकैडमी के एम्प्लॉय हैं और उन्होंने आइकॉनिक कोर्स डिजाइन किया है एसएसबी का, और मैं इनका ही इंटरव्यू लेने वाला हूँ। सूरजीत रिकमेंडेड हुए थे 2014 में यूएस एंट्री से, बट बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। इन्होंने जब आइकॉनिक कोर्स डिजाइन किया तो इन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स का फीडबैक लिया। इनकी फोटोज आप अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इन सब के फीडबैक के बाद ये कोर्स डिजाइन हुआ। अब मैंने सूरजीत से एक सवाल पूछा और सवाल पे ही पूरा इंटरव्यू डिपेंड है। वो सवाल ये है, जब आपके पास अनअकैडमी का कोई आइकॉनिक कोर्स नहीं था 2014 में, तो आप कैसे रिकमेंड हो गए? और इस पे पूरा का पूरा इंटरव्यू है। और उस टाइम उन्होंने क्या किया और अब क्या है, इन दोनों में खास बात, एक बात याद रखिए, इन सूर्यजीत ने जो अनअकैडमी का कोर्स डिजाइन किया है उसमें उन्होंने इनिशियली 25% तक का डिस्काउंट रखा है, और वो दो तरह से मिलता है। पहला होता है वार्षिक कूपन कोड लगाकर, और दूसरा गोल्ड कॉइन, दोनों को लगा के 25% तक का डिस्काउंट मिलता है। अगर आपको सूर्यजीत की बात में कुछ दम लगे तो जस्ट चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुलाकात करते हैं सूर्यजीत से। जय हिंद सूर्यजीत भाई। जय हिंद, हाउ आर यू? आई एम गुड, एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा दैट यू आर द पर्सन बिहाइंड, यू नो, जिसने अनअकैडमी का एसएसबी कोर्स डिजाइन किया है। जो इंसान 2014 में रिकमेंड हुआ था उसने सोचा था यार डिफेंस शायद अब कभी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि मैं मेडिकली रिजेक्टेड हो चुका हूँ, अब पीआर मिल चुका है, अब जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं होगी। एंड यू आर द पर्सन जिसने कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल रैंक के साथ मिलकर पूरा कोर्स डिजाइन किया। एंड इट्स अ वेरी, यू नो, आपने एक बात कही थी, बच्चे ना पता नहीं लगा पाते कि यार हम कहाँ जा रहे हैं गलत। दिमाग में सवाल नहीं आया यार इसकी जरूरत क्या है? ऊपर से अनअकैडमी जब कहा होगा कि ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करना है एसएसबी का, तो क्वेश्चन मार्क भी खुद आया होगा। Right. So, so I would say it started with, मतलब मेरे लिए वो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है as far as I was concerned till now. So when I was recommended before that, I didn't knew what SSB was and I was not so aware of कि defense में जाने के लिए आपको exactly क्या करना पड़ता है। So, मेरे लिए इतना था that I wanted to join defense because it's in the family that no one has ever joined defense and people were stopping me कि नहीं आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे, you will be like just engineer, doctor वाला जो होता है उसी पे रहोगे। बट आई वॉज मोर फेमिलियर कि नहीं मुझे डिफेंस जाना, आई वॉन्ट टू सर्व द कंट्री एंड द नेशन। सो वैन आई एक्चुअली स्टेप डाउन एंड आई थॉट कि क्या क्या चाहिए, एस एस बी वॉज द फर्स्ट ब्लॉकर विच केम इन कि ये पार करना है। एंड एट दोज पीरियड वी डिडंट हैव एनीथिंग। तो जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विथ, आई वेंट डाउन एंड सी कि वो 15 क्वालिटीज क्या होते हैं जो आई क्यूज ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज हम देखते हैं एस एस बी में। सारे इंटरनेट पर सर्च करने के बाद वगैरह वगैरह एंड रीडिंग अबाउट आर्टिकल्स, आई केम टू अंडरस्टैंड कि यही वो क्वालिटीज है जो दिस लुक आफ्टर यू। एंड It's not that they look all 15 in you. It's somewhat, some 90-80% भी अगर आपके पास सही से है and you have built that in you completely, then it actually makes a lot of sense to that candidate getting recommended. तो मैंने फिर उन qualities पे depend करना चालू कर दिया and उनके around मैंने अपने ही theories बनाए कि let's say for example, if I am leadership quality, something which I have to do. So I started getting knowledges in my campus, मैं college में head coach बनने लगा,
मैं स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाने लगा, एनसीसी कैडेट्स करवाने लगा, ठीक है, तो इवेंट की जो स्किल्स है वो वहाँ से आ गई. फॉर लेट्स से समवन वांट्स कि यू हैव टू मैनेज एंटायर टीम, तो वो सारी चीज़ें वहीं से मैं ग्रैब करने लगा. सो इफ समवन सेज कि आपको इम्प्रोवाइजेशन चाहिए उस पॉइंट पे, यू वांट टू थिंक थ्रू, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन टफ हो सकता है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसके लिए एबिलिटी रखते हो. सो आई डेवलप एक्टिविटी. ओके ओके, आई एम रियली सॉरी, आई एम स्टॉपिंग यू ओवर देयर. सो किंग मेरे द्वारा काउंटर आ रहा था, मैंने कहा यार आपने सीखी है नेचुरली पर्सनैलिटी बनाना और आप कोर्स डिजाइन करा रहे हो, मतलब कोर्स डिजाइन करा है आपने एन अकेडमी पे, तो आपको लगा नहीं यार डायरेक्टली सीधे ये कहना चाहिए यार या तुम अपने लाइफ में नेचुरली जैसे कर रहे हो ना उसी में ये लीडरशिप डाल लो, बस कहानी खत्म हो गया, एसएसबी आ जाओ. सो व्हाट इज द यू नो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दिस. सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दिस इफेक्ट इज द थिंग व्हिच आई जस्ट सेड, जो मैंने अभी कहा कि मैंने ये सब चीजें करा है, दिस इज नॉट व्हाट एवरी कैंडिडेट डज एट ऑल. मतलब आप सारे एसएसबी एस्पिरेंट्स उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ये चीजें करेगा. आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एसएसबी का यही है कि बच्चों को ये नहीं पता कि उनको एक्चुअली करना क्या है. दे नो वॉट इज एसएसबी, दे नो वॉट दे आर लुकिंग फॉर, ठीक है, बट दे डोंट नो हाउ टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट. दे डोंट नो कि उस क्वालिटीज को हम अपने आप के बिल्ड कैसे करें. इट्स या आई कैन से इट्स लैक ऑफ मेंटरशिप, लैक ऑफ स्किल्स एंड ऑल दैट स्टफ, वो तो अपनी जगह है ही, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नो फिगर आउट बाई योर सेल्फ, बिकॉज एसएसबी इज वन एग्जाम विच कम्प्लीटली गोज आउट ऑफ सब्जेक्टिव वर्क एंड सेइंग कि आप अपने आप को बिल्ड करो. आपका एडुकेटर, आपका मेंटर आपको एक पॉइंट तक हेल्प कर सकता है टू मेक यू रियलाइज. यही हम करते हैं एसएसबी में, जो बाहर से कोचिंग या अंदर से कोचिंग होता है वहाँ पे यही होता है कि आपको मेंटर सिर्फ दिखाता है रास्ता, चलना आपने है, चलना आपको है उस पूरे चीज पे. सो यू हैव टू फाइंड आउट. एंड बच्चों को यही नहीं पता आज के डेट में, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ हम अपने अपने आप पे कैसे करें. फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, स्पोकन इंग्लिश, इट्स अ वेरी बिग थिंग. इंग्लिश इज रिक्वायर्ड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्ट, बट यू आर नॉट एबल टू शो दैट टू द एडुकेटर्स या एसएसबी गाइडेंस कि मैं ये जानता हूँ सर, मैंने ये सोचा है इस 3 मिनट के लेक्चर में, अगर मैं वो बोल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मेरे अंदर इंग्लिश नहीं आ पा रहा है, देन दिस इट्स अ ड्रॉबैक, राइट. इसको आपने सॉल्व कैसे किया, आपने कैसे इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन किया? डिड यू राइट डायरीज, डिड यू रीड आर्टिकल्स, डिड यू गो थ्रू मैगजीन्स, डिड यू रीड बुक्स? क्या आपने हर दिन 15-20 पेज का टारगेट रखा? क्या आपने डिक्शनरी एंड थिसॉरस का टारगेट रखा? नहीं, हमें पता ही नहीं है कैसे करना है. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज, लर्नर्स डोंट नो कि उन्हें रिफ्लेक्ट कैसे करना है एसएसबी में. या सो दैट्स व्हाट इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन थिंकिंग टू डिजाइन इन माय प्रोजेक्ट एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन. ओके, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग यू डिड. बट मैं एक बात जरा यहां पर फिर से लाता हूं. सी, अगर आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में ये आ रही है कि यार द मोर इंपॉर्टेंट इज कि आप ना अपने आप को देखो, जैसे वो कहते हैं ना सेल्फ एनालाइज करो एंड कम बैक, ठीक है, एंड यू नो द यू नो और योर परसेंट विल ग्रो बेटर. आपके एसएसबी में आप गुस्सा भी हो गए थे G2 टास्क में, आई होप आपको वो पल याद होगा, मुंह से निकलने वाला था कुछ और रह गया वो, ठीक है, चेहरे के एक्सप्रेशन ने बता दिया G2 को ओ माय गॉड, तो उसने शायद आगे कहीं प्रोवोक भी किया. अब जब ये सीन हो रहा है वहां पर, तो आप ये रियलाइज करते हो आपने खुद से चेंज किया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि अगर आप खुद से चेंज कर रहे हो, जो आपने अभी बोला कि यार खुद को सेल्फ एनालाइज करो, तो भैया सिर्फ यही कर लेते हैं ना, Why this need of some mentor? आपने खुद ही बोला mentor आपके साथ सिर्फ एक लिमिट तक ही जा सकता है, कुछ हेल्प एक सर्टेन वे तक कर सकता है. सो इवन गेटिंग एनी कोर्स और एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई जरूरत नहीं पड़ी मेरे हिसाब से. राइट, यू आर करेक्ट, आई कंप्लीटली अग्री. बट या जैसे कि कमिंग बैक टू जस्ट व्हाट आई सेड 10 सेकंड्स अगो कि हमें आइडेंटिफाई करना है वो चीजें, ठीक है. एंड अब लेट्स से आज के इंटरनेट जनरेशन में अगर हम किसी भी ऑफिस वाला क्वालिटी उठाते हैं एंड उसके बारे में आइडेंटिफाई करने जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, हमें 1000+ रिजल्ट्स आएंगे एंड सम 100 वेबसाइट्स स्टेटिंग डिफरेंट आर्गुमेंट्स कि ये करो वो करो ये करो. स्टूडेंट को पता कैसे लगेगा कि उसको एग्जैक्टली वही करना है? हाउ विल ही नो कि जेनरिक टर्म यही है? ही विल सी सो मेनी आर्टिकल्स एंड ही विल गेट कन्फ्यूज कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये करूँ, एंड ही विल एंड अप डूइंग ऑल थिंग. एंड हिस्ट्री कहता है कि अगर आप एक चीज़ के लिए मल्टीपल रास्तों से एंटर करेंगे, यू विल एंड अप इन अ डिक्टेट, आप कभी भी इस टारगेट पे नहीं जा पाओगे. सो दैट इज सच काइंड ऑफ प्रोग्राम हेल्प्स यू. ओके, सो समवेयर यू आर आल्सो लकी इन योर केस कि जो आपको ढूंढ रहा था, मतलब आपको लाइफ में मतलब मिलता चला गया मेरी ये प्रॉब्लम है एंड यू क्योर इट. बट कुछ ऐसी बातें होंगी जो मेंटोर की मदद से मिलेंगी, यू वांट टू से दैट? या आई वांट टू से दैट कि मेंटोर इज समवन हु एक्चुअली वुड से कि भाई तुम्हारे पास 100 रास्ते हैं, मैं तुम्हारे 90 रास्ते बंद करवा दे रहा हूँ, ये 10 रास्ते हैं, बिकॉज दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, मैंने भी किया है, मैंने बच्चों को भी करवाया है, आप ये 10 रास्ते देख लो एंड इन्हीं 10 रास्तों में आपको 100 रास्तों के जवाब मिल जाएंगे. ओके, लेट्स ब्रेक दिस मेंटोरशिप क्लब, एक महीने का है वो,
आइकॉनिक कोर्स कहते हैं आप उसे, जिसमें सिर्फ 10 बच्चे होंगे एक कर्नल ब्रिगेडियर के अंदर जो कि एसएसबी में असेसर रह चुके हैं। हिज जॉब इज एंटायरली टू यू नो ब्रिंग आउट एक्चुअल एसएसबी जो होता है और पिन पॉइंट करके पूरा कॉन्फ्रेंस तक फॉर्मेट तक वो पूरा रिजल्ट आपको हाथ में दे कि मैं अगर होता तो मैं तुम्हें यहाँ फेल करता और तुम्हें यहाँ इंप्रूव करना। और इसमें इंक्लूडेड आपका स्पोकन इंग्लिश भी है, OIR भी है और फिटनेस भी है। और थोड़ा मानना मुश्किल है ये फिटनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है, ये ज्यादा मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसमें आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि नामुमकिन बराबर, GTO, यू टेकिंग केयर ऑफ इट, कि GTO में बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है, GTO द पर्सन विल फील लाइक दैट यू नो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता है, ठीक। दूसरे अकॉर्डिंग आपने स्क्रीनिंग का बहुत ध्यान रखा है, स्पेसिफिकेशन ऑन द स्क्रीनिंग की गलती नहीं होनी चाहिए स्क्रीनिंग में, बहुत जरूरी है। ये कैसे आप करोगे, मतलब हाउ यू मेकिंग श्योर कि बच्चे स्क्रीन हो जाए, तो समझो आप स्क्रीनिंग बच्चे कई कई बार स्क्रीन आउट हो जाते हैं। आई हैव सीन द पीपल हु आर वेरी गुड इन इंग्लिश, वेरी फ्लुएंट, वेरी बोल्ड, बट स्टिल गेट स्क्रीन आउट अगेन, शायद यू नो अपने आप को समझ में शायद कहीं कमी रह जाती है, बट स्टिल दे नीड सम हेल्प। सो हाउ इज इवन पॉसिबल, हाउ यू डिड इट, दोनों बातें जानना चाहूंगा। So for me, screening was my aptitude and my logical verbal skills were quite good. So lucky me on that particular part of both. So that's how intelligence test was not a big deal for me. But when it comes to PBDT, that's the segment which makes you go out of the SSB. Wahi part hai jo aapko clear karna hai, wo wall diwar wahi ban jati hai. तो पीपीडीटी के लिए, एज आई सेड, जो हम डिस्कस करेंगे या कर रहे थे कि आपको सबसे पहले अपना फ्रंट पर्सन व्यू रखना है, कि जब भी आपके सामने कोई भी इमेज दिखाया जाए, बीट ब्लड, यू हैव टू अंडरस्टैंड जो ब्रीफिंग दिया गया है वो किसी कारण से दिया गया है, मूड, जॉनरे, कैरेक्टर्स, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। एंड उसके अराउंड जो आपको चीज़ें लिखनी है, दैट हैज़ टू बी योर फर्स्ट थिंग विच केम इन योर माइंड, यू कैन नॉट मेक इट, एंड आपको वो काफ़ी कम टाइम मिलता है, 3.5 मिनट्स टू डू दैट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि उसी टाइम में आप वही चीज़ों को लिखो एंड 300 वर्ड के अंदर उसको फिट कर दो, ताकि मतलब अगले पेज तक नहीं जाए वो और टाइम लिमिट के अंदर खत्म हो जाए। This requires a lot of practice, and this requires a real life practice, which I used to do. What I used to do is मैं टाइमर लेता था, ठीक है, मैं मान लेता था कि मेरे सामने एक पिक्चर है, एंड दैट पिक्चर वॉज जस्ट समथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, रैंडम थिंग्स, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लिख रहे, तो मैं 30 सेकेंड्स ऑन कर लेता हूँ, 30 सेकेंड जैसे मैंने ऑन कर लिया, मैं आपको 30 सेकेंड तक देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ पूरे पिक्चर को, ठीक है, आई एम टेकिंग एंटायर थिंग इन टू माई ब्रेन। 30 सेकेंड बाद मैं खुद ही ऑफ करता था, चलो मान लो 1-2 सेकेंड डिले कर दिया, स्टॉप वॉच रखा, मैं मूड, जॉनरे, स्किल्स सब लिखता था यहाँ पे, देन आई यूज्ड टू स्टार्ट राइटिंग अ 3.5 मिनट्स स्टोरी अलॉन्ग विद दैट, फिर से स्टॉप वॉच चालू। इनिशियली बहुत बेकार लिखे थे मैंने, बहुत ज़्यादा बेकार लिखे थे इनिशियली, बट विथ डूइंग दिस कॉलेज में करता था, टीचर पढ़ा रही है तब करता था, करते 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 मेरे अंदर ऐसा स्किल आ गया कि आई स्टार्टेड लाइक, मुझे पता था मैं क्या लिखने वाला हूँ, आई न्यू कि स्टार्ट कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है, A to Z मुझे पता था, आप टाइमर लगा दो मैं खत्म कर दिया। सो दिस इज हाउ आई बिल्ड माई PPDT स्किल एंड आई मेड श्योर कि मैं स्क्रीनिंग से तो बाहर नहीं हूँ। आपने ना आपने बात बहुत अच्छी बताई PPDT की, नरेशन वाली बात बहुत सही है, बट आपको याद है हम GTO में एक बात कही थी, ग्रुप में कोऑर्डिनेशन नहीं था, ग्रुप कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं था, ये दिक्कत स्क्रीनिंग में होती है। Exactly. अगर देखा जाए कहने के लिए पूरा दिन लगता है, बट है सिर्फ 5 मिनट की, नरेशन 1 मिनट का, GTO 3 से 4 मिनट की, नाश्ता चाय पानी मिलाकर 2-4 मिनट और लगा लो, फिर OIR कहानी खत्म, 15-20 मिनट खत्म। आप समझो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आई पर्सनली भी शायद रिकमेंडेशन उतना मुश्किल नहीं होता होगा, बट स्क्रीनिंग इज रियली टफ, काफी काम माइंड चाहिए एक आदमी को। सी GTO के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, आई पर्सनली फेल्ट आफ्टर दिस 2 SSBs की GTO में आपका जो नरेशन पार्ट है, विच इज द पार्ट व्हेन यू कम इन द स्मॉल ग्रुप एंड यू हैव टू टेल योर पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है, उस ग्रुप को कंक्लूसिव एविडेंस पे नहीं आना है, कंक्लूसिव स्टोरी पे नहीं आना, इट कैन बी इनकंक्लूसिव, एवरीवन मैट हैव देयर ओन स्टोरी, ठीक है, बट द पॉइंट इज वहाँ पे आपको तभी जज किया जाता है अगर आप बोल नहीं पाते, या फिर आप कम बोल रहे हो, या आपने अटेम्प्ट नहीं मारा बोलने का, या आप दूसरों को काट रहे हो। ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने रियलाइज़ किया है, अगर आप ये करोगे देर इज़ नो चांस कि आप PPDT के थ्रू निकल सकते हैं। सो वॉट यू हैव टू डू इज टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, जो आपने बोला वहीं पे उसी पे अटल रहो, डोंट चेंज योर स्टोरी। अगर आपकी स्टोरी गलत थी या इनकम्प्लीट थी, आप लिखना भूल गए उसके बाद भी, स्टिल वहां तक लिखो एंड एट द एंड यू विल टेल कि इसके बाद आई वाज सपोज टू राइट, वेरी क्लियरली मेंशन कर दो आई वाज सपोज टू राइट, मैं नहीं लिखा। तीसरी चीज कि आप आपने अपना स्टैंड ले लिया, आपने बता दिया, तीसरी चीज वुड बी कि यू हैव टू मेक श्योर
जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, अगर आपने बोल दिया है इट्स वेरी गुड, बट जो आगे वाला बोल रहा है उसको भी सुनो, डोंट फाइट कॉन्ट्रडिक्ट विद दैट स्टेटमेंट. सो ये सारी चीज़ें अगर आप सही से करोगे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल गो थ्रू द स्क्रीनिंग टेस्ट. दैट्स अ प्रीटी कूल थिंग, बट ये चीज़ अनअकैडमी में हो रही है, ये बातें करने में बहुत अच्छी लग रही है. एग्जैक्टली ये हो रही है, ये हो रही है. एंड हाउ आई मेड श्योर दिस हैपेंस इज आई हैव सेट अप द प्रोग्राम एज अ लाइव हॉल रूम, जिसको हम कहते हैं एक लाइन में लाइव हॉल रूम टेस्ट फॉर एसएसबी. तो ये जो 10 बंदे आएंगे एक प्लेटफॉर्म पे, दे विल बी इन वन बैच 10 पीपल एंड देयर एडुकेटर. ओके, दे और जितने भी सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम इंटेलिजेंस टू योर लास्ट सेशन विच इज योर सीटी एफजीटी एंड एचजीटी टिल आईओ, जितने भी सेशन है ये सारे ग्रुप सेशन है. ग्रुप सेशंस में हम 10 के 10 लर्नर्स को ओवर द इंटरनेट टूल हम उसको ऑनलाइन रखेंगे विद देयर वीडियोज ऑन, गिविंग देम एन इमर्सिव फीलिंग दैट दे आर इनसाइड एन एसएसबी हॉल रूम. ठीक है, एंड हॉल रूम के अंदर वो नरेशन चलेगा, टेस्ट होगा, जो भी होगा, लेकिन हॉल रूम के अंदर होगा. एंड एडुकेटर विल बी कॉन्स्टेंटली वॉचिंग देम. सो इट्स प्रीटी क्लियर नाउ कि जैसे आप है, अगर 10 शुभम यहाँ होते, 10 मैं यहाँ पे होता और हम सबके सब एक कैमरे की तरफ देख रहे होते एंड यू आर वॉचिंग मी, मैं इधर उधर तो नहीं देख पाता. आई हैड टू स्पीक टू माई सेल्फ, आई हैड टू स्पीक टू समवन हु इज ट्राइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम सेइंग माई स्टेटमेंट, आई हैड टू कीप फॉरवर्ड माई स्टेटमेंट. अगर मैं म्यूट में डाल दिया अपने आपको, वेरी क्लियरली मुझे बोलने का मन नहीं है, सो दैट गाई विल नेवर क्लियरिफाई. ठीक है, बट यहाँ एसएसबी में तो हम वर्डिक्ट नहीं देंगे, हम क्या करेंगे उसको बाद में एनालिसिस सेशन में उसको बताएंगे आपने बोला क्यों नहीं, What stopped you from saying in the PPT narration part? वो लड़का बोलेगा सर मुझसे ये नहीं हो पाया, मैं इनिशिएट नहीं कर पाया, मुझे स्टेटमेंट नहीं पता था. That is what I meant by handheld session. And that's after the one-to-one feedback session. Exactly. So these are all live online tests giving you the SSB feeling. Now tell me honestly speaking, जब आप खुद कोर्स कर रहे थे, मैंने आपसे सवाल पूछा था. सवाल ये था जब अनअकैडमी ने आपसे कहा होगा ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करना एसएसबी का, खुद ही आ गया होगा यार ये नहीं हो सकता, बट इन्हें ना नहीं बोल सकता मैं. आया कि नहीं आया था जल्दी बताओ. एग्जैक्टली आया था लाइक व्हेन आई वाज टेकन इनटू फॉर दिस कोर्स एंड मुझे ये दिया गया था कि आपको ये डेवलप करना है. हां, व्हिच इज अ एसएसबी एक्सपीरियंस बट ऑनलाइन पे. हां, बिकॉज़ मी आई वाज इन दैट शूज ऑफ एसएसबी एक टाइम पे, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया था भाई इसको मैं कैसे करूं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये, इसको ऑनलाइन में कैसे लेके जाऊं. बिकॉज तब तक मेरे दिमाग में यही कॉन्सेप्ट था कि एसएसबी इज ऑल अबाउट ऑफलाइन. कुछ होता है वो सेंटर के अंदर ही होता है, बच्चे वहाँ जाते उधर ही सब कुछ होता है. मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वेग था कि ऑनलाइन कैसे करूँ. बट दैट्स व्हेन इट ट्रिगर्ड मी कि व्हाई आर वी ट्राइंग टू टीच स्टूडेंट्स, व्हाट आर वी ट्राइंग टू टीच स्टूडेंट्स एंड हाउ आर वी ट्राइंग टू टीच स्टूडेंट्स. ये तीन चीज़ें मैंने ब्रेक किया है. तो हर एक्टिविटी में मुझे यही दिखाई दिया है कि स्टूडेंट्स के साइकेट्रिक बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा एंड दैट्स नॉट अ थिंग विच कैन ओनली हैपन ऑफलाइन. हम लिमिट कर दे रहे हैं उन चीज़ों को कह के कि वो उनका हम ऑनलाइन करवा ही नहीं सकते. नहीं, गलत है. हम उन चीज़ों को करवा सकते हैं ऑनलाइन. यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द राइट टूल्स, द राइट मेथड एंड द राइट प्रोसेस टू मेक दैट हैपन. दैट इज व्हेन इट ट्रिगर्ड मी कि आई कैन डेवलप समथिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड दैट्स हाउ आइकॉनिक वाज मेड. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द योर चैप्टर्स, बट लेट्स कम बैक टू योर एसएसबी एक्सपीरियंस. यू गॉट रिकमेंडेड, खुशी का तो ठिकाना होगा नहीं. ठीक है, यू गेट मेडिकल आउट. बट आफ्टर दैट हंड्रेड्स ऑफ द यू नो बॉयज एंड गर्ल्स हैज केम टू यू, भैया क्या करूँ, भैया भैया बताओ ना, भैया भैया वो, भैया पहली बार मैंने कमेंट कैसे, भैया बताओ ना भैया. यू हैव एन नंबर ऑफ, उस टाइम भी आपने सजेशंस दिए होंगे आई एम श्योर. सी फॉर मी एसएसबी वाज ऑलवेज अबाउट वन वर्ड एंड मैं नॉट जस्ट एसएसबी. लोग कहते हैं ना कि आप जब एसएसबी में जाते हो यू आर समथिंग डिफरेंट एंड जब आप एसएसबी से निकलते हो यू आर एग्जैक्टली द ऑपोजिट और समटाइम्स इम्प्रूव्ड ऑपोजिट. आई कैन से सबसे करेक्ट वर्ड यही रहेगा. मेरे लिए इट वॉज द सेम थिंग. जब मैं एसएसबी गया एंड जब मैं वहाँ से निकला, इट वॉज कम्प्लीट होल लेवल ऑफ वर्ल्ड फॉर मी. आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स डिफरेंटली, नॉट लाइक व्हाट आई वाज टू सी लाइक प्रीवियसली. एक वर्ड मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग विच आई नीड, नॉट जस्ट फॉर एसएसबीज, पर्सनली अपने लाइफ में भी, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जीने के लिए मुझे एक चीज चाहिए एंड दैट इज सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन. ठीक है, दिस इज व्हाट आई स्टैंड्स टू. एंड जब भी मेरे पास कोई भी फ्रेंड हो या कनेक्शंस हो या म्यूचुअल फ्रेंड्स हो मेरे पास आके पूछे कि एसएसबी आपने कैसे निकाला एंड ऑल दैट, मैंने उसको यही कहा कि अंडरस्टैंड वे यू आर राइट नाउ एट दिस मोमेंट एंड इम्प्रोवाइज ऑन दोज थिंग्स. आप ये मत सोचो कि समवन विल टेल यू कि ये करना है, ये करना है, ये करना है. दिस इज नॉट अ कैट एग्जाम और लाइक अ मैट एग्जाम व्हाटसोएवर. दिस इज द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री.
एंड टू क्रैक दिस एग्जाम यू सबसे पहले यू हैव टू हैव बिलीव इन योर सेल्फ कि भैया मैं तो कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ. अगर ये चीज़ आपके अंदर आ गया ना, तो देर इज अ डेविल स्पिरिट, जो मैं आपको एंड व्यूअर्स को भी एक्सप्लेन करूंगा व्हेन आई वाज इन एसएसबी एंड क्यों मैं निकला एसएसबी से, वाई वाई आई थिंक दे हैव एक्चुअली रिजेक्टेड मी बिकॉज ऑफ दैट एंगर इशू. दैट इज अ डेविल स्पिरिट विच स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग पार द एसएसबी लाइन, विच स्टॉप्ड मी ऑल्सो. But the next SSB when I was there, I knew, I improvised on the devil's spirit and I controlled it. So that is what I still, I actually gave up my all friends giving suggestions, ki aap improvise karo cheezo ko, dekho ki aapke paas kya hai and un pe zyada dhyan do, rather than building new personality, building new skills, nahi, un pe zyada dhyan do, unko top level pe le jao. So how did you improvise? गुस्सा आना इतना आसान, मतलब खत्म करना बहुत मुश्किल होता है. मेरे में बड़ी गंदी आदत है सर, सामने वाला छह बातें कहते हैं ना, एक ही बार रिपीट कर रहा है, मैं रिटेक हूँ भाई बस चुप हो जावा सब, ठीक है ना. सो इवन एंगर तो बहुत ही खतरनाक होता है, मेरा तो सिर्फ इतना ही होता होगा, एंगर तो बहुत ही खतरनाक होता है. सो हाउ डिड यू इंप्रोवाइज, दिस इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, एंगर इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. एंगर मैनेजमेंट इज अ, इट्स लाइक द वर्स्ट जॉब, ठीक है. एंड ये बहुत मतलब विद टाइम ये डेवलप होता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज चला गया, नहीं आज भी है, आज भी कोई मुझे प्रोवोक कर देगा टू द एक्सट्रीम लेवल में गुस्सा हो जाऊंगा, बट देन व्हाट आई लर्न फ्रॉम एसएसबी विल किक बैक एंड पुश मी डाउन सेइंग कि कंट्रोल, ये सोचो, अभी दिमाग को ब्लैंक करो, ये सोचो. एंड क्या सोचो वो मैं आपको बताता हूँ. सो बेसिकली व्हेन आई वाज इन माय एसएसबी फर्स्ट वन, सो उसमें इन द जीटीओ टास्क देयर वाज, वी आर सपोज टू मेक अ कैंटिलीवर ब्रिज वेयर वी हैड टू डू अ बैलेंस ऑन वन साइड एंड वन साइड वुड बी वेट बैलेंस ऑफ स्टूडेंट. दैट्स द बेसिक फिनोमेना ऑफ अ कैंटिलीवर ब्रिज. तो मेरे अनफॉर्चुनेटली यू कैन से मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिनको मतलब दे वे मोस्टली फ्रेशर्स, हम उस ग्रुप में मैक्सिमम फ्रेशर्स थे. सो दे दिस पीपल वर मोस्टली कन्फ्यूज्ड कि इनको जीटीओ में करना क्या एंड ऑल दैट, ठीक है. ब्रीफिंग के बाद भी जब हम जीटीओ में गए तो दे वर ऑल बैफल्ड, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई वेट नहीं दे रहा है, बार बार कैंटिलीवर टूट जा रहा है एंड फिर जो फट्टा है वो नीचे गिर जा रहा है. मैं कह रहा हूँ यार आप इधर खड़े हो, आप इधर खड़े हो, कोई सुन ही नहीं रहा, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज लाइक एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी, कि आपके ग्रुप में वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम पहला बंदा जहाँ खड़ा है, लास्ट बंदा जहाँ खड़ा है, सबको सुनाई देना चाहिए कि एक बंदा क्या बोल रहा है. एंड इफ समवन इज रॉन्ग, ऐसा नहीं कि बोल दो भाई तू गलत बोल रहा है, नहीं, ये बोलो कि भाई तू ये भी सुन मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो दैट इम्प्रोवाइजेशन कम्स इन द ग्रुप, दैट इज ग्रुप मैनेजमेंट, ग्रुप स्किल्स. तो हमारे ग्रुप में वो था ही नहीं, सारे बच्चे अपने ही, कोई भी कुछ ही कर रहा है, मतलब एक यहाँ खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक बीच में खड़ा है, एक तो कैंटिलीवर ही गिरा दिया, वो वापस खड़ा होकर जाके फिट्टा भी पड़ गया. तो दैट वाज द प्रॉब्लम. एंड उस एक पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल पे हम कम से कम 15 मिनट बैठे रहे, हम कुछ नहीं किया हमने, ठीक है. इट वॉज जस्ट द सेकेंड ऑब्स्टिकल. अब सोचो अभी तो है और 8 ऑब्स्टिकल, मैं वो भी नहीं क्रॉस कर पाया. तो फिर मेरा आ गया गुस्सा यहाँ. एंड देन आई वॉज लाइक, मतलब होता है ना जब आपको बहुत गुस्सा आ जाता है तो चीज़ें यहाँ तक आ जाती है फिर निकलती नहीं है, तो यहाँ तक आ गई, ठीक है. एंड फिर मेरे एपिक्लॉटस में आके ब्लॉक हो गया, निकला नहीं, बट आई अंडरस्टूड व्हाई आई गॉट रिजेक्टेड, बिकॉज वो यहाँ से तो नहीं निकला लेकिन मेरे शक्ल से निकल गया. सो मेरे पूरे चेहरे में वो लाल हो जाना, ठीक है, एंड यू नो शिकंजे आ जाना, वो सब क्लियरली दिख रहा था, ठीक है. एंड आई थिंक द जीटीओ नोटिस्ड इट बिकॉज ही वॉज राइट अपोजिट टू मी दिस साइड ऑन माई लेफ्ट. एंड व्हेन आई लुक्ड एट हिम, गलती से मैंने उनको भी देख लिया, उनको दिखा भी दिया, देखो ये मेरा चेहरा है, उन्होंने देख भी लिया. आई न्यू इट कि भाई अगर मैं रिजेक्ट होता हूँ यही कारण है. एंड एक्चुअली मैं रिजेक्ट तो हो गया, एंड स्टिल नाउ आई बिलीव कि वही कारण था, दैट माई एंगर गॉट द बेस्ट ऑफ मी एंड आई वॉज नॉट एबल टू इम्प्रोवाइज दैट सिचुएशन, कमिंग माई सेल्फ डाउन. एंड दैट्स इट, पूरा ग्रुप ही निकल गया, उसमें से कोई रेकमेंड नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ. बट व्हाट एक्चुअली डिड व्हेन यू वेंट बैक होम, ये एंगर को कंट्रोल कैसे किया? बात तो सेल्फ इम्प्रोवाइज की, और मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दूं. अनअकैडमी को आपने डिजाइन किया है, ये बात आपको पता होगी सेल्फ इंप्रोवाइज की, ये उसमें है क्या? दो सवाल है बस. या सो जब मैं वहां से वापस आया, सो इट टुक मी सम 3 डेज टू रियलाइज कि मैं क्यों निकल गया था एंड मुझे क्यों निकाला गया था. टू बी ऑनेस्ट, दैट इज व्हेन आई आस्क्ड मायसेल्फ दिस क्वेश्चन कि वो गलती क्या थी. एंड आई न्यू इट वॉज द एंगर. अदर क्वेश्चन वॉज कि तुमने क्या किया उस एंगर के लिए. मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया. आई सो यू नो आई बिलीव लाइक फॉर मी व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड व्हाट आई डू टिल नाउ आल्सो, आई स्पीक विथ माई सेल्फ. आई फील एवरी पर्सन शुड हैव टू पर्सोना इन देम, वन पर्सोना विच इज इन द अटैकिंग मोड, अदरवाइज इन द डिफेंडिंग मोड. अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे दोनों पर्सोना को तो वो तो एसएसबी गोली मारो, आप रियल लाइफ में भी कहीं सक्सीड नहीं कर पाओगे. तो आई आस्क क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि दिस वॉज द रीजन वाई आई गॉट आउट एंड आई न्यू कि यही रीजन है.
देन आई स्टार्टेड कंट्रोलिंग दैट एंगल बाई मेकिंग श्योर दैट जब हम रियल लाइफ सिचुएशंस में जा रहे हैं, रियल लाइफ में जब मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा, मेरे दोस्तों के साथ अगले दिन मेरा एक छोटा मोटा सा गेट टुगेदर था, आई प्रोवोक वन ऑफ माई फ्रेंड, वो जो होता है कॉलेज में कुछ कुछ बोल के उसको उकसा देना, वो तो मतलब ऑनलाइन तो नहीं बोल सकते बट ठीक है, तो वो कुछ कुछ बोल उकसा दिया ठीक है उसको, एंड देन ही पाउंस्ड ऑन मी सेइंग कि भाई तुमने ये कैसे बोल दिया, फिर उसका साथी आ गया, मेरे साथ आएगा, गैंग वॉर टाइप का एक हो गया. माई एजेंडा वॉज नॉट टू फाइट विद दैट गाई, माई एजेंडा वॉज टू प्रोवोक समवन सच दैट ही प्रोवोक्स मी बैक, बिकॉज गुस्सा ऐसे ही तो ऐसे ही तो नहीं आता किसी को, प्रोवोक करेगा तभी आएगा, तो सच दैट ही प्रोवोक्स मी बैक, एंड जब वो मुझे प्रोवोक करेगा, माई एजेंडा वॉज हाउ डू आई कंट्रोल इट. तो मैंने ऐसे लीन सिचुएशंस कम से कम 5-6 बार क्रिएट किए, जहाँ मौका मिलता था सुनहरा गोल्डन चांस कि भाई ये मौका है, मैं इसको गुस्सा दिला सकता हूँ और मैं गुस्सा हो भी सकता हूँ, मैंने अपना हाथ मारा अच्छे से. हाँ, एक दो बार इधर उधर का लगा भी, दैट्स कॉमन ठीक है, बट हाँ रिटर्न में मैंने कुछ नहीं किया, आई वॉज डिफेंडिंग माई सेल्फ, एंड दैट्स हाउ आई फेल्ट कि आई वॉज एबल टू कंट्रोल माई एंगर. ठीक है, जब भी वो गुस्सा मुझे आया कुछ करने के लिए, बीट एक्शनेबल गुस्सा या बीट वर्बल, सबसे पहले चीज़ जो मैंने अपने आप को बोला वॉज दैट वाई आर यू गेटिंग एंगर, यू डोंट डिजर्व दिस, ये चीज़ बात करने से भी सुलझ सकता है, ये चीज़ उसको कुछ मीठा बोलने से भी सुलझ सकता है, या ये चीज़ भूलने से भी सुलझ सकता है. जब दोनों से इंसान ना माने तो भूल जाओ उस चीज़ को कि कुछ हुआ भी था, वो सुलझ जाएगा. तुम अपने फेस में वो एक्सप्रेशन मत लाओ ना, जितना तुम गुस्सा दिखाओगे वो गुस्सा करेगा. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड स्माइलिंग एट पीपल ब्लैंकली, ही करके, ताकि उनको लगे कि भाई मैं, मेरा गुस्सा शांत हो गया, एंड दैट डीमन ऑफ माई पार्ट बस धीरे धीरे गोइंग डाउन. या दैट्स हाउ आई इम्प्रूव माई एंगर. दैट्स अ वेरी ग्रेट स्टोरी. सो अभी सेकेंड पार्ट रह गया है, हाउ दिस द पार्ट ऑफ वन एकेडमी दैट्स सेल्फ इम्प्रोवाइज, और ये पता कैसे लगेगा, क्योंकि आपके केस में चलो जीत था, आपने खुद असेसमेंट किया, आपको समझ में एंगर इज द इशू, इज अ मेजर इशू, क्योंकि बाकी चीजें इवेंट मैनेजमेंट बाकी चीजें करते करते आउटस्पोकन बोलना, ये सब आपके अंदर क्वालिटी थी, इंग्लिश की प्रॉब्लम आपको थी नहीं, या आपके साथ कोई समस्या नहीं थी, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट गाय, वेरी यू नो बोल्ड पर्सन, एबल टू पुट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी हार्ड वर्किंग, एवरीथिंग वॉज देयर, एंगर वॉज द इशू, रिजॉल्व इट, डन. हाउ एनी अदर गाय कैन डू दिस? With Unacademy, I think the challenge जो मैंने कहा था कि आपको इसको ऑनलाइन में बिल्ड करना है. Now coming back to what we were speaking at the initial phases, कि सबसे पहले तो आपको सेल्फ रियलाइज होना चाहिए, राइट? तो वो सेल्फ रियलाइज कराने के लिए भी कोई चाहिए, दैट इज एन एडुकेशन एंड मेंटर हु नीड्स टू मेक यू सेल्फ रियलाइज, यही 10 रास्ते हैं. दूसरा है, वंस यू रियलाइज देम, यू हैव टू सेल्फ इम्प्रोवाइज ऑन देम. ऐसा नहीं कि हमेशा एडुकेटेड ही बोलता रहेगा ये करो ये करो ये करो, नहीं, आप भी कुछ करो, अपने से कुछ करो, बिकॉज अपने से करना हुआ इंसान उसी को याद रहता है कि उसने क्या किया था. सो ये सारे पॉइंट्स जब मैंने इकट्ठा करे, दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि मैं कैसा प्रोग्राम बना सकता हूँ ओवर द नेट OTA प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि मेरे जितने भी लर्नर्स है, जी एस्पिरेंट्स है फॉर डिफेंस आर्म पर्सनल, दे विल गेट द आइडिया ऑफ हाउ एन SSB लुक्स लाइक. क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे SSB को ऑनलाइन ले जाना है, वो जो सेंटर है उसको ऑनलाइन ले जाना है, विच मीन्स उस सेंटर का सारा एस्पेक्ट, ऑल एक्टिविटीज हैज टू गो ऑनलाइन, नथिंग शुड बी लेफ्ट अपार्ट, ये भी कराना है. प्लस मुझे उस लर्नर से ये भी जानना है कि उसको क्यों आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना है, एंड उसको क्यों लगता है कि वो आर्म फोर्सेज ज्वाइन नहीं कर सकता, वॉट आर द पॉइंट्स वेयर इज लैगिंग. तीसरी चीज़ जो मुझे लगी वो थी कि उसके अंदर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या होने चाहिए, वो उसको पता होना चाहिए. आज के डेट में हमें पता ही नहीं होता है कि हम SSB जा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए. फोर्थ, ही शुड बी वेरी क्रिप्स एंड क्लियर अबाउट दी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. आप SSB के बाहर जितने लड़के खड़े हैं उनमें से आप सबको पूछो 15 क्वालिटी के नाम बताओ, आपको मिलेगा कि सिर्फ 50% बच्चे उससे भी कम आपको बोल पाएंगे क्लियरली. बाकी सारे वो सारी बातें सही है, बट व्हाट इज द रीजन, चलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ मैं, कि बट फिर भी यार ऑफिसर लाइक क्वालिटी के एग्जैक्टली नाम जानने की क्या जरूरत है, रट के कुछ होगा तो होनी. जो आपने बात कही कि अपने आप सेल्फ इम्प्रोवाइज करनी है, वो मेरे दिमाग में बहुत ही ज्यादा क्लियर है और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है. बट जब मैं एक बार जाना चाह रहा हूँ, मैंने सुना था आपके अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्स के बारे में, वो ये था कि आप हर बच्चे पे पर्सनल अटेंशन देंगे. ये क्या है? क्या है ये, मतलब व्हाट द गोज अराउंड अबाउट इट? सो पर्सनल अटेंशन एज इन द SSB आइकॉनिक प्रोग्राम इज अ हैंडहेल्ड प्रोग्राम. अगर आप इसको कोर्स में डाल देंगे तो मैं इसको एक ही वर्ड में डालूंगा, हैंडहेल्ड. ठीक है, सेंटर आपके स्टार्टिंग से लेके आपके एंड तक आपके साथ रहेंगे. ओके, ठीक है.
नाउ हाउ डज दिस वर्क्स आउट इज दैट हम सारे एक्टिविटीज तो करवाएंगे एसएसबी की, जितनी भी एक्टिविटीज है वो होंगे एंड काफी इमर्सिव वे में होंगे. यू विल नेवर फील कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ हो जो एसएसबी करवा रहा है एंड एसएसबी का तरह नहीं करवा रहा है. ठीक है, यू विल फील कि आप एसएसबी में ही हो, बट आपको एनालिसिस दिया जाएगा. द एडुकेटर विल कीप अ ट्रैक आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंटेलिजेंस टेस्ट टिल योर लास्ट पार्ट विच इज योर इंटरव्यू. पूरा 5 दिन का जो कोर्स है, उस 5 दिन में आपने क्या क्या करा है, कैसे करा है, आपका असेसमेंट्स, आपके रिपोर्ट्स, आपके फीडबैक्स, आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये सारा चीज़ें एसेसर आपको बताएगा. ऑल ऑफ दिस फीडबैक, ओवरऑल 360 एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, ये सब चीज़ें एसेसर बैकएंड पे रिकॉर्ड करेगा. एंड जब वक्त आएगा आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ें हैं जो मुझे लगी है कि आप में गैप है, ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस फीडबैक एनालिसिस जो एक लर्नर सुनना चाहता है, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज आज के एसएसबी प्रोग्राम ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, कि लर्नर को ये नहीं बताया जाता कि आप कहाँ लैक करते हो. अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे, जीटीओ पे बहुत स्ट्रेस दिया जाता है, मैक्सिमम जीटीओ स्ट्रेसिंग दिया गया है, बट इट्स नॉट दैट कि सिर्फ जीटीओ, इट्स अ क्यूमुलेटिव प्रोग्राम एसएसबी. आपके ओआईआर से लेके आपके लास्ट तक आपको ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ों पर. एंड यू नीड समवन टू टेल यू कि आपके अंदर कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ आप नहीं कर पा रहे हो ठंड से. दैट इज़ वॉट फर्स्ट पार्ट ऑफ माई एस एस बी प्रोग्राम इज गोइंग टू डू. विल टेल यू ओपनली कॉम्प्रहेंसिवली कि ये गलती थी, ये सुधार लाओ. सेकेंड पार्ट वुड बी इनकेस इफ यू वॉन्ट कि मुझे स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना है, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मुझे एक महीने में सीखना है कि हाउ कैन आई एटलीस्ट प्रोकास्टिनेट माई सेल्फ, जब मेरे सामने कोई खड़ा होगा मुझे बोलेगा बोल इसके बारे में 3 शब्द, तो उसके लिए बेसिक कोचिंग, बेसिक इंग्लिश कोचिंग. वी डोंट नीड एग्जैक्ट वेरी हैवी वर्ड्स एंड एब्रिविएशंस इन एसएसबी, नहीं, हमें प्लेन इंग्लिश चाहिए बट अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश चाहिए. तो उसके लिए इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ऑटोमेटिकली व्हेनेवर यू वांट इट आप वो ले सकते हो. तीसरी चीज़ें, हम फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहते हैं. सर्टन एस्पेक्ट्स, देखिए कुछ भी बोल लो, आप जीटीओ में जाओ, इट्स अ परसिवरेंस साइकैट्रिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, जो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में आता है वही करते हो. सेम गोज फॉर आपका पीपीटीटी, सेम गोज फॉर आपका टैट, वॉट, एसआरटी. ये सब क्यों होता है, ये सब इसीलिए होता है बिकॉज आपको, आपके ऊपर एक टाइम क्लॉक लगा देते हैं लोग, आपके ऊपर एक काउंटडाउन लगा देते हैं. जब भी इंसान के ऊपर काउंटडाउन लगता है, सबसे पहला चीज़ इंसान अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है. देयर इज टू थिंग्स, मैं जो मेरे दिमाग में सबसे पहला आया मैं वो सोचूं, दूसरा है कि मैं उसको भी सोच के मैनिपुलेट करूं. बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वो जो सोचते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं, जो उनको एडुकेटर ने बताया था कि ये करना है, ऐसे लिखना है, देखो ऐसे होना चाहिए, वो क्या करते हैं उसको सोच के, एडुकेटर के हिसाब से सोच के फिर मैनिपुलेट करके जंबल कर देते हैं. इस चक्कर में गया उनका जो उन्होंने लिखा था वो. फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को आप ये बोल लोगे कि वो बच्चा रूरल एरिया से आया है, आप उसको ये बोलो कि अपने शहर के बारे में बताओ, वो अपने शहर के बारे में अर्बन तरीके से बता रहे हैं, मेरे शहर में 10 माले की बिल्डिंग है, मेरे शहर में मॉल्स है, ये है वो है, डज नॉट मेक सेंस. इसका मतलब वो कहीं से सीखा था ये चीज़, अपने साथ मिक्सअप कर दिया और उसको डाल दिया. ठीक है, तो उस तरीके का हो जाता है. सो वी वॉन्ट कि वो बच्चा जब पूरे प्लेटफॉर्म पे है हमारे साथ, फाइनली उसके साथ एक, उसको हम ये बता दें, उसके इंटरव्यू तक उसको ले जाए एंड क्लियरली उसको ये चीज़ें कॉन्साइज करवा दें कि यू, योर फर्स्ट पर्सन थॉट हैज़ टू बी वेरी क्लियर. इसीलिए हम यहाँ पे भी टाइम लिमिट लगा के सारे एक्टिविटीज करवा रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज है इंटेलिजेंस से लेके सारे टाइम लिमिट पे चल रहे हैं. सेम लाइक एसएसबी, सेम लाइक एसएसबी एंड एग्जैक्ट टाइम लिमिट्स, नॉट इवन अ मिनट ओवर और लेस. सो अगर इंटेलिजेंस 40 मिनट्स का है, 40 मिनट्स का ही होगा. दैट्स अ वेरी गुड पार्ट. द कर्नल ब्रिगेडियर रैंक पर्सन विल बी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू वेरी एंड डे, वो सब कुछ जान चुके होंगे. नाउ इस टाइम ऐसा होने वाला है कि एसएसबी में आपको रिजल्ट नहीं बोला जाएगा, कॉन्फ्रेंस आउट, रिकमेंडेड आउट. You will be exactly told where you are wrong. That's a very good part, and that's the reason my Colonel Rehal sir, जब भी मैंने interview लिया था, मैंने उसका सच वाइकॉन का कोर्स आपका आएगा, I will be there. So that's a really good part of that. अच्छा, यहाँ तक सारी कहानी हो गई यार. But सूर्यजीत, when you got recommended, feel तो आती है ना यार, अपन अब अलग हो गए हैं, अपन अब special हो गए हैं, ठीक है ना, वो feel आती है. But after that feel, कभी ऐसा लगा कि यार कि ये self improvise वाली चीज खत्म हो जाएगी अब? मतलब आपने अभी जस्ट क्लेरिफाई किया कि मैं आज भी करता हूँ, बट यार ये कैसे करना है? आपने बोला कि मैं सोचता हूँ अपने आप से, अपने अपने अंदर से जो मेरा दूसरा है मैं उससे बात करता हूँ, बट यार ये हल्लो, अगर मैं किसी कहूंगा ना अपनी 5 वीकनेस बताओ,
तो एक स्टेटमेंट बोलते हैं माय स्ट्रेंथ इज माय वीकनेस, यू रिमेंबर, यू नो इंटरव्यू में लोग बोल देते हैं. सो दीस काइंड ऑफ स्टफ्स द पीपल डू, हाउ यू मेक अ सच अ रियलाइजेशन ऑफ योरसेल्फ? आई मेक इट वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट. हाउ? मतलब यू आर ओपन टू द क्रिटिसिज्म आल्सो? Exactly. मतलब मेरी कॉर्पोरेट इंटरव्यूज की बात कर लो, आई हैव वर्क्ड अराउंड इन 3 फर्म्स टिल नाउ, एंड जब भी मेरे इंटरव्यू में से पूछा जाता है व्हाट आर योर वीकनेस, मैं सीधा बोल देता हूँ आई कांट मैनेज टाइम. मैं साफ बोल देता हूँ मेरे से टाइम मैनेजमेंट, मैं तो अभी ओपन इंटरव्यू में बता रहा हूँ आपको, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता. तो वो पूछते हैं कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, बट दैट्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लुक इन अ कॉर्पोरेट गाई. आई एम लाइक सर व्हाट डिड आई से इज आई कांट मैनेज माई टाइम, बट आई हैव वन मोर स्ट्रेंथ. व्हाट इज दैट? माई स्ट्रेंथ इज टू फाइट अगेंस्ट दैट. सो मेरा वीकनेस मुझे पता है, सबसे बड़ी चीज़ है वीकनेस रियलाइज करवाना. सर मुझे मेरा वीकनेस पता है, आई कॉन्ट मैनेज टाइम. मैं कभी कभार, दूसरा वीकनेस मेरा ये है कि मैं बहुत सोच लेता हूँ कभी कभार. मतलब आइकॉनिक को लेके मैं एक दिन एक 3-4 रात में सिर्फ बैठा रह गया और सोचता ही रह गया मैं कैसे बनाऊँ, जबकि मैंने बना चुका था मॉडल, आई वॉज रिव्यूइंग इट, बट मैं 3 हफ्ते तक उसको रिव्यू किया बैठ बैठ के रातों रात, बिकॉज मैं सोचता बहुत हूँ, मैं वेरी डीप थिंकर. सो दैट्स वन ऑफ माई वीकनेस. इतना नहीं सोचना चाहिए, आपका ब्रेन स्ट्रेस होता है, अब नए आइडियाज नहीं आते. बट द स्ट्रेंथ पार्ट इज आई एम अवेयर ऑफ इट, आई नो कि ये मेरा वीकनेस है, एंड दैट पर्सन ऑफ मी, द सेकेंड पार्ट ऑफ मी हेल्प मी फाइट. तो वो जो 3 हफ्ते थे ना, उसको मैंने रिड्यूस करवा के 1 हफ्ते कर दिया था. मैंने मतलब मैं 3 हफ्ते नहीं तो फाइट कर लेता अपने साथ ही, मैं 1 हफ्ते में वापस आ गया. That's a very beautiful part of it. So, आपने काफी ज़्यादा attractive बनाने की कोशिश की. First, you give everything. SSB की assessor, personal attention, 10 ही बच्चे होंगे, सब होगा, पूरा रिपोर्ट कार्ड बनेगा, 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, राइट? है ना, ये पूरा सब हो रहा होगा. डिस्काउंट मिलेगा अभी. कितना डिस्काउंट मिलेगा? 15% डिस्काउंट. ओके, दैट्स अ 15%. ओके, सॉरी, दैट्स अ 15% डिस्काउंट मिलेगा. आइकॉनिक, सो वी आर डूइंग इट 15% फ्लैट. ओके, 15% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा. सो ये सारे ऊपर से उस पर शायद गोल्ड कॉइन्स में जो उसका 25% से 30% तक भी डिस्काउंट कर देते हैं, शायद ऐसा कुछ भी है, राइट? सो हैवी डिस्काउंट ऑफर भी, क्योंकि आप पहली बार लॉन्च कर रहे हैं. जो सुरजीत भाई ने भी डिस्काउंट की बात की है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं. पहला डिस्काउंट है 15% जो अनअकैडमी खुद आपको दे रहा है. दूसरा डिस्काउंट है 10% का, जो कि आपको मेरा कूपन कोड लगा के मिलेगा, वो है वाश ने. एंड तीसरा डिस्काउंट है गोल्ड कॉइन का. गोल्ड कॉइन जब आप फाइनल पेमेंट करने जाते हो तब आपके सामने ऑप्शन आता है गोल्ड कॉइन. ये जो न्यू यूजर्स होते हैं, जो पहली बार अनअकैडमी अपनी प्रोफाइल बना रहे होते हैं, उनको मिलता है ये. तो तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपका टोटल डिस्काउंट मिलेगा 35%. ये नॉर्मल कोर्स खरीदने से काफी ज्यादा सस्ता है. ये है पूरी कहानी अभी डिफेंस कोर्स लेने की. सो बिफोर अगर आपने 17 सितंबर लिया तो आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा, वरना वापस से डिस्काउंट का सीन खत्म हो जाएगा. ये डिस्काउंट सिर्फ आइकॉनिक कोर्स की वजह से सभी डिफेंस कोर्स पे एप्लीकेबल हो गया है अप टू 17 सितंबर. याद रखें इस बात को. अब चलते हैं वापस. अच्छा, ये सब होने के बाद आपको कहीं लगता होगा यार ऑनलाइन है एसएसबी का प्रोग्राम, यार ये शायद फेल हो सकता है, यार क्या होगा इसका? नहीं, आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट ऑन दिस. आई एम प्रीटी श्योर कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकमेंडेशंस. आई नो दिस बिकॉज जब मैं ये डेवलप कर रहा था, द अदर पार्ट ऑफ मी वॉज मी माई सेल्फ. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं इस पूरे प्रोग्राम में अपने आप को एक बार पायलट कर चुका हूँ. सो आई सैट इन दिस प्रोग्राम, पिछले एक महीने में मैं इसी प्रोग्राम पे अपने आप को पायलट कर रहा था टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बस एडुकेटेड नहीं था अपोजिट साइड में, बट ऑल एक्टिविटीज मैंने खुद से करा है. एंड जब मैं ये करता हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि इट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट, लाइक अ रियल रियल लॉट. सो आई नो कि दिस इज द आंसर टू योर रिकमेंडेशन एंड दिस इज गोइंग टू हैपन सून एनफ. ये गुड न्यूज भी आएगा नहीं, आपको फिर डालना ही पड़ेगा. दैट्स ग्रेट. That's great, brother. Thank you so much for a lovely time, and I wish you all the best for your iconic course, brother. Thank you so much. Thank you, Shubham. Thank you so much to your viewers also. Thank you.